तो दोस्तों अगर आप भी अपने फेसबुक आईडी का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आसान तरीके से कैसे चेंज करेंगे, बस आपका भाई आपके साथ है, बस आपको दिक्कत नहीं लेना है, बस एक चुटकी में मैं आपको फेसबुक आईडी का नाम चेंज करना सिखा दूंगा। फेसबुक आईडी का नाम चेंज करना बहुत आसान है, आप आसान तरीके से किसी भी आईडी का नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों देर किस बात की, सीधे वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ, बस आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, ठीक है। यहाँ पर फेसबुक नाम चेंज करने के लिए आपको फेसबुक ऐप की जरूरत पड़ेगी। अगर आप फेसबुक डाउनलोड नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना कि आपको फेसबुक ऐप में आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर थ्री लाइन का ऑप्शन ऐसे मिल रहा है, इसमें आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। बहुत ज्यादा आसान है भाई साहब, भाई आपके साथ है, आपको दिक्कत नहीं लेना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिल रहा है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर फिर देख सकते हो सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, इसी में आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेटिंग वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे ना, यहाँ पर नीचे आ जाओगे, यहाँ पर नेम चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि ऊपर में देखो मेटा अकाउंट सेंटर का ऑप्शन मिल रहा है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अकाउंट सेंटर में क्लिक करोगे ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर नीचे की ओर पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर अकाउंट का ऑप्शन मिल रहा है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में क्लिक करूंगा तो यहाँ पर नेम चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। यहाँ पर सबसे ऊपर में देख सकते हो प्रोफाइल का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर दादा भाई ये मेरा फेसबुक का नाम है, ठीक है, यहाँ पर मैं इसी में क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ऊपर वाला मतलब कि फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है नेम का, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और जैसे ही मैं नेम वाले ऑप्शन में क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट नेम यहाँ पर दादा लिखा हुआ है और लास्ट नेम लिखा हुआ है भाई, दादा भाई, है ना। तो अगर आपसे फेसबुक आईडी सही तरीके से बनाना नहीं आता है तो मैंने उसी वीडियो का लिंक आई बटन में दे दिया है, यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से बताया हूँ और सही तरीके से बताया हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब आपको नेम कैसे चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट नेम का ऑप्शन मिल रहा है, लास्ट नेम का ऑप्शन मिल रहा है और बीच में देख सकते हो मिडिल नेम का ऑप्शन मिल रहा है। ज्यादातर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। यहाँ पर मैं क्या नाम दे देता हूँ, खोलो खजाना, चलो दे देते हैं खोलो खजाना। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने फर्स्ट नेम यहाँ पर खोलो डाल दिया है और लास्ट नेम में यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, खजाना लिख दिया है, ठीक है। आपको भी यहाँ पर अपना नाम डाल देना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रिव्यूज चेंज का ऑप्शन मिल रहा है नीचे की ओर देखो, इसी में आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर अपने नाम को किस तरह से रखना चाहते हो। तो पहले पॉइंट में लगा हुआ है हमारा खोलो खजाना, क्रम से लिखा हुआ है, और दूसरे पॉइंट में देखो खजाना खोलो, ये दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है। तो ये क्रम से थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं क्रम से लिखना चाहता हूँ। यहाँ पर ऊपर वाला ऑप्शन देख सकते हो खोलो खजाना लिखा गया है अपने आप क्रम से। तो यहाँ पर अब क्या करना है, सेव चेंज का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई साहब, प्लीज नोट यू वॉन्ट बी अबले टू चेंज योर नेम विथिन द नेक्स्ट 60 डे, ठीक है। अगर आप मतलब कि अगर आप अपने नाम को चेंज करते हो तो 60 दिन के पहले अपने नाम को चेंज नहीं कर पाओगे, इस बात को आप जरूर ध्यान रखना। 60 दिन मतलब कि 2 महीना के बाद ही अपने नाम को चेंज कर पाओगे, अगर चेंज करते हो तब। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको बहुत ही सोच विचार कर क्या करना है कि नाम चेंज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर परफेक्ट हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप नाम चेंज कैसे कर सकते हो वो भी सही तरीके से। तो आपको इन बातों को जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। 60 दिन के पहले आप नाम चेंज नहीं कर सकते हो, उसके बाद आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इतना जरूर ध्यान रखना है, बस यहाँ पर आप चेंज ही करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेव चेंज का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था, है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है कि सेव चेंज में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव चेंज में क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो खोलो खजाना लिखा चुका है, यहाँ पर फिर भी देख सकते हो, मैं यहाँ पर बैक कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था, बाकी यहाँ पर मैं अपने लोगों में क्लिक करके दिखाई देता हूँ, यहाँ पर भी लिखा चुका है, ठीक है ना, खोलो खजाना। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके आने वाला घंटा जरूर चेक कर लेना। आपका भाई ऐसे ही जोरदार दमदार वीडियो अपलोड करता रहता है, ठीक है। तो गाइस और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।